ग्राम पंचायत भेसाया गड़ा द्वारा जनपद सीईओ साहब के निवेदन किया गया था कि हमारे गांव में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाए। उन्होंने हमारी बात पर गौर करके स्वास्थ्य विभाग से बात की। वह आज हमारे गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, जिनमें नेम संगीता श्रीवास्तव, साथ ही में उनकी टीम सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक व आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता, सहायिका आदि गाँव के कार्यकर्ताओं ने लोगों को जागरूक किया। वहां पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई और स्थिति यह रही कि 3 बजे ही वैक्सीन खत्म हो गई। लोगों में काफ़ी रुचि देखी गई, जहां पर बढ़ चढ़ कर लोगों ने वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया और लोग जहां पर उन्हें आश्वासन दिया गया कि पास में केंद्र पर या हम और निवेदन करेंगे, गांव में ही वैक्सीन लगे, इस भरोसे के साथ लोगों को समझाया गया। आपका नाम क्या है? कृपाल सिंह मेवाड़ा। जैसे अब ये वैक्सीन जो लग रही है आज ग्राम भैसागढ़ में, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देने जा रहे हो? आज ग्राम पंचायत भैसागढ़ा में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में कहीं थोड़ा बहुत डर था, तो हमने प्रशासन से निवेदन किया कि हमारे गांव में वैक्सीनेशन का कार्य करके हम लोगों को जागरूक करेंगे, उन्हें वैक्सीनेशन के लिए बुलाएंगे, ताकि लोगों के अंदर से एक जो इसके प्रति भ्रांति, एक डर है, वो भी दूर होगा। साथ ही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये अपेक्षा है कि 45 वर्ष से ऊपर का हर महिला एवं पुरुष वैक्सीनेशन करवाए, वैक्सीन लगवाए, जिससे कि जो पूरे विश्व के अंदर कोरोना कोविड आज एक महामारी के रूप में तबाही मचा रहा है, तो इससे लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। कोविड की इस महामारी से वो सुरक्षित होंगे, इसी आशा और अपेक्षा के साथ में आज ग्राम भैसागढ़ा में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। केआरएन न्यूज के लिए शाजापुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।